जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर इन यूनिट 4, नेचुरल फिनोमिना मीन्स प्राकृतिक घटना, एंड योर चैप्टर नेम इज़ द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल। सो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट वी सी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है उसके बारे में जान लेते हैं। द स्टार्स, द सन, द सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, यानी कि तारों के बारे में, सूर्य के बारे में, सौर मंडल के बारे में और ग्रहों के बारे में। ओके, नाउ सी टर्म्स यू नीड टू नो। फर्स्ट, स्टार यानी कि तारा, हॉट बॉल ऑफ गैसेस वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से बहुत दूर गर्म गैसों की गेंद, वो क्या कहलाती है? तारा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लैनेट यानी कि ग्रह, हेवनली ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो स्वर्गीय आपके ऑब्जेक्ट हैं, स्वर्गीय पदार्थ हैं, ठीक है, स्वर्ग में रहने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, द सन एंड द एट प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी कि सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले जो आठ ग्रह हैं वह क्या बनाते हैं? वह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं, उन्हें सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है कंस्टिलेशन यानी कि तारामंडल, ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग शेप्स, तारों का ऐसा समूह जो क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प आकार बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? तारामंडल। नेक्स्ट, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, तो नेचुरल और मैनमेड बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित निकाय जो कि क्या करता है? ग्रहों का चक्कर लगाता है। मीन्स जो प्लैनेट होते हैं वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो सैटेलाइट होते हैं वह प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सन, द मून, द स्टार विच आर प्रेजेंट इन द स्काई, हम हमेशा सूर्य, चंद्रमा और तारे के बारे में बात करते हैं जो आकाश में मौजूद हैं। All the stars that we see in the night sky are just a small part of a huge cloud of the stars. सभी तारे जो रात के आकाश में हमें दिखाई देते हैं वह विशाल बादल का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा होते हैं। This star cloud is known as Milky Way galaxy. इस star cloud को ही क्या कहा जाता है? आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। We can find many such galaxies in the universe. और ब्रह्मांड में हम कई ऐसी आकाशगंगाओं को फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द हेवनली ऑब्जेक्ट्स इन दिस चैप्टर, आइए अब हम कुछ जो स्वर्गीय ऑब्जेक्ट, जो स्वर्गीय चीज़ें हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? स्टार्स, ठीक है, सितारे, तारे। एट नाइट वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, रात में हम आकाश में अनगिनत सितारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं। दीज स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेज गिविंग आउट लाइट एंड हीट, ये जो क्या करते हैं, ये तारे प्रकाश और गर्मी देने वाले होते हैं, जो कि क्या होते हैं? गर्म गैसों के विशाल गोले होते हैं। वी डू नॉट फील दियर हीट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, हमें इनकी गर्मी का मतलब एहसास नहीं होता, हम इनकी गर्मी महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ये क्या हैं? तारे जो हैं पृथ्वी से बहुत दूर हैं। Sometimes stars are present in groups and form interesting patterns. ठीक है, कभी कभी जो तारे होते हैं क्या होते हैं? समूहों में, ग्रुप्स में मौजूद होते हैं और यह बहुत ही दिलचस्प पैटर्न, दिलचस्प आकृति बना लेते हैं। These groups of stars are called constellation. और यही जो तारों के इन्हीं समूह को क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है या फिर तारामंडल कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सन के बारे में, प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आप उसको रीड कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।